कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए गुहलाचिक्का प्रशासन सतर्क है। गुहलाचिक्का की एसडीएम शशि वसुंधरा ने नागरिकों को इस महामारी से घबराने की बजाय सचेत रहने की सलाह दी है। शशि वसुंधरा ने बताया कि राजकीय चिकित्सालय में कोरोना के मरीजों को रखने के लिए आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा हरियाणा महामारी अधिनियम के तहत सांस्कृतिक और सामाजिक समारोह आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी गई है। हम पूरी तरह से हम तैयार हैं और मैं यही लोगों से आह्वान करती हूं कि हमें देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क और चेतावनी के साथ हमें काम करना है। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, तब हम इस महामारी को फैलने से रोक सकते हैं। हमारे यहाँ प्रशासन की तरफ से जो आइसोलेशन वार्ड हैं वो हमारे हॉस्पिटल में तैयार हैं, बने हुए हैं। पर वही बात है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि सब सतर्क रहें, घबराने की और रूमर फैलाने की किसी भी तरह की अफवाह को तूल ना दें और अपना ख्याल रखें और अपने साथ वालों को ख्याल रखें। हरियाणा एपिडेमिक्स एक्ट के अंदर हरियाणा सरकार की नोटिफिकेशन जारी हुई है, जिसमें किसी भी तरीके की गैदरिंग के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है। जो भी हमारी संस्थाएं हैं, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम पर रोक लगी हुई है। यही आह्वान है लोगों से कि वो ऐसे भीड़ इकट्ठा ना करें ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। लेकिन गुहलाचिक्का के लोग सरकार के दावों को महज लीपापोती ही बता रहे हैं। मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के सभी कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हरजीत सिंह ने मेडिकल कचरे को खाली प्लाटों पर डंप करने का मसला उठाया है। नगर पालिका द्वारा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। यहाँ पे इतने सारे हॉस्पिटल लेबोरेटरी हैं, पता नहीं कौन लेबोरेटरी वाला कौन नहीं, सिरिंज और वो पड़ी रहती है, इतना कुछ सैंपल सारा कुछ, और इसको गांव भी खाते हैं, कुत्ते भी खाते हैं, सभी भी खाते हैं। दो बार तो मैंने गांव के पैर से निकाल लिया है। समस्या खाला, इससे कितना वायरस फैल सकता है? देखो, एक तो कोरोना वायरस चल रहा है, ऊपर से ये जो गंदगी फैला रहे हैं, इस गंदगी से देखो कितना कुछ फैलेगा। कोई सुनवाई नहीं इसकी, कितनी बार बोल चुके हैं। मैं इससे लेबोरेटरी वाले तो पूछा था, कहते हम तो घेरते नहीं है। फिर मैं काज उसके पास मिलने गया, SMO से मिलने गया, वो कहते आप लिखित में दे दो, तो इसलिए फिर मैंने आप लिखित में देना। कितने लोग गंदगी फैला रहे हैं देखो, इससे कितना वायरस फैलेगा, जिसको भी लगेगी सुई क्या पता क्या है इसके अंदर, क्या नहीं, कैसे कैसे हैं, किसी को कैसी बीमारी है, किसी को किसी बीमारी है, सैंपल भी हैं, इसको जानवर भी खाता है, सभी लोग खा रहे हैं, तो जो कीड़े पतंगे जो भी ये सब खा रहे हैं, किसी को लड़ गया क्या होगा? देखिए कुछ नहीं जी, कुछ सरकार कुछ नहीं कर रही जी, काम तो कर रही है, दिखावा कर रही है ज़्यादा। ये देखो कितना आपके सामने है, आप पीछे इसका सीन लेके देखो, एक बार पीछे आप मेरे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे क्या क्या हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन और NGT की गाइडलाइनों की पालना की जा रही है। जो आपने अभी समस्या को बताया उसके बारे में हम SMO और यहाँ के जिला के उच्च अधिकारी जो हमारे CMO हैं उनसे बात करेंगे कि आपके जो हमारे गुला क्षेत्र में ऐसी कई जगह चीज़ें सीरीज वगैरह में पाई जाती हैं जो पशुओं को और आमदन को नुकसानदायक हैं, और उसके लिए SMO साहब से मेरी बात हुई है, वो जल्दी इस पर हम कार्रवाई करेंगे, जिसके लिए यदि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी तो बढ़िया है, नहीं तो नगर पालिका द्वारा उचित कार्रवाई हमने मिला जाएगी। बस कार्रवाई आज से शुरू है, और आपने जो साइट बताई है उसके आसपास जितनी मेडिकल स्टोर हैं या जिनको सारे आइडेंटिफाई करके उनको चालान भेज दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के प्रति सचेत करने के लिए रेड क्रॉस, शिक्षा विभाग और स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लिया है। नागरिकों को जन जागरण अभियान के तहत दी जा रही जानकारी लाभदायक मालूम पड़ रही है। वो लगभग हरियाणा के सभी जिलों के अंदर एक मुहिम चलाई गई है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि किस तरह से नोवल कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके और क्या क्या इसके लक्षण हैं और क्या क्या इसके उपचार हैं, इसी को लेकर के हमने मुहिम शुरू की है। माननीय जिला शिक्षा अधिकारी विजेंद्र नरवाल जी के दिशा निर्देश के अनुसार हमने जिले के सभी काउंसलर्स को, जो विद्यालय के में अपने आप जूनियर रेड क्रॉस के इंचार्ज हैं, उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि विद्यालय में छुट्टियाँ होने के बाद जो है वो व्यक्ति जो है गांव में जाए और मास्क लेकर के जन जन को जो है वो जागरूक करें कि किस तरह से अपनी जानकारी और समझदारी के द्वारा जो है हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरों को सुरक्षा मुहैया करवा सकते हैं। इसी कड़ी के लिए माननीय जिला शिक्षा अधिकारी ने जो है हमारे सभी खंड स्तर पर एक एक अध्यापक को कमान की जिम्मेदारी सौंपी है
जिसमें पुनः में डॉक्टर अनिल शर्मा और उसी प्रकार से कैथल में खंड पर जो है मैडम अंजू शर्मा और महिपाल हमारे एक अध्यापक हैं बस्ता में, जिनको खिलाफ की जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार पवन कुमार को राजौंद की जिम्मेदारी दी गई है, और मोहम्मद कौशिक को जो है वो राजौंद खंड की जिम्मेदारी दी गई है। हमें जानकारी दी है कि हम तो एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाना है, हाथ जोड़कर ही एक दूसरे का अभिनंदन करना है, और खास से यह छींकते समय हमें रुमाल का या फिर किसी भी हल्की चीज़ का इस्तेमाल करें ताकि दूसरे से ये बीमारी ना फैले। और जब भी हम किसी भी वस्तु को छूते हैं तो हमें बार बार साबुन के साथ हाथ धोना चाहिए ताकि ये बीमारी किसी अन्य को ना फैले। और इसको जब भी हम कहीं पर जाते हैं तब किसी को हाथ मिलाने से ज़्यादा हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करना चाहिए ताकि उन्हें भी इस बात का पता चले कि हमें ये बीमारी को पड़ने से रोकना है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।